हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ जितिया स्पेशल कुसी किराव के झोर की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि कुसी किराव का झोर किस तरीके से बनाया जाता है। किराव की सब्जी बनाने के लिए कुकर में हम ऑयल डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, साबुत जीरा ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने ले लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। इसको फ्राई कर लेना है। प्याज यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है, इसे ज़्यादा आपको गोल्डन नहीं करना है। थोड़ा सा आपको जो है गोल्डन से पहले ही इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इससे क्या होता है कि जब यहाँ पे हम केराव डालेंगे ना, और इसकी जो ग्रेवी तैयार होगी बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाती है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। तो अदरक को मैंने घिस के डाला है और लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इस वजह से। और इसको 1 मिनट हमें फ्राई कर लेना है बाकी के मसाले डाल करके। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं हल्दी का पाउडर, मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, होममेड गरम मसाला का पाउडर और सभी मसालों को यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं तो यहाँ पे हम किराव डाल देंगे। किराव को रात भर मैंने भिगो करके रख दिया हुआ है और ये अच्छे से फूल चुकी है। तो इसके आज हम छोले बना रहे हैं। किराव को भी यहाँ पे 1 मिनट हमें मसालों के साथ फ्राई करना है। अब हम टमाटर कट करके डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले हम नमक डाल देते हैं। अब टमाटर कट करके डाल देंगे और 1 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट यहाँ पे किराव को मैंने फ्राई कर लिया है। अब डाल देंगे हम कसूरी मेथी की पत्तियों को, पानी, एक चम्मच सब्जी का मसाला। और अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने का हम वेट करेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे और 2 से 3 मिनट यहाँ पे लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद जो हमारा कुसी किराव का झोर है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा कुसी किराव का झोर है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई पर बने रहिएगा।